बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स, में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नुसरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच कर रहें। नाज़रीन आज हम प्रोग्राम करेंगे रावलपिंडी पुलिस के ऊपर। आज हम आपको बताएँगे कि अक्सर जिन लोगों के साथ वारदातें होती हैं, डकैती होगी, राजनी होगी, घर में चोरी होगी, तो हमेशा से एक शिकवा जो ज़ुबान ज़द आम है वो ये मिलता है कि रिकवरी नहीं हो रही, पुलिस रिकवरी बहुत कम करके देती है। आज हम आपको एक ऐसे केस के मतलब बताएंगे कि FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल के मालखाने से पैसे चोरी होते हैं, वो पैसे कहाँ पर आते हैं, पुलिस क्या किरदार अदा करती है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसमें बड़े बड़े लोगों को बचा लिया गया और छोटे लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। ये केस ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि 15 करोड़ रुपए के जो है पाकिस्तानी करेंसी और डॉलर वो चोरी होते हैं FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल के मालखाने से। और उससे कबल जो एक चीज़ सामने आती है कि थाना सुंबल में जो मालखाना मुहर्रर होते हैं FIA का, उसके अगवा का मुकदमा दर्ज होता है और 31 मई का ये वाकया आता है, जब ये लोग जो दो अहलकार बताए गए हैं जो चोरी करते हैं इतनी बड़ी रकम, और वो दोनों उनमें से एक FIA का डिसमिस फ्रॉम सर्विस एक मुलाजिम है जिनके नाम साद अनवर मोहम्मद हमजा हैं। ये लोग वो इतनी बड़ी रकम एक गाड़ी में लेके जब यहाँ से निकलते हैं तो मंदरा टोल प्लाजे के ऊपर, वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस स्नैप चेकिंग कर रही होती है और ये जो दोनों मुलजमान हैं साद अनवर और मोहम्मद हमजा, ये एक ब्लैक कलर की क्रोला गाड़ी में होते हैं जिसका नंबर ABE 951 होता है। जब वहाँ पे पुलिस एहलकार जिनमें ASI इमरान मुजफ्फर है, खिजर हयात कांस्टेबल है, मुस्तफ़ा शाह कांस्टेबल है, शाहिद महमूद हेड कांस्टेबल है, असद महमूद कांस्टेबल है, उस्मान जवेद कांस्टेबल है, मुख्तार हुसैन कांस्टेबल और एक प्राइवेट शख्स, वो जब इस गाड़ी को रोकता है, जब इस गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो वहाँ पे जो सीज की हुई चीज़ होती है, जो रकम होती है वो वहाँ से निकलती है। फौरी तौर पर पुलिस हुकाम को इतला दी जाती है, आला पुलिस हुकाम को, तो SHO मंदरा मलिक यासर अपने ड्राइवर जिसका नाम नईम शहजाद है, वो जय वकुआ पर यानी कि मंदरा टोल प्लाजे के ऊपर आते हैं और वहाँ पे ये दोनों SHO मंदरा और कांस्टेबल जो उनका ड्राइवर है, ये प्राइवेट गाड़ी QU 307 में आते हैं। वहां पे जाहिर बात है CCTV कैमरे भी लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टोरी में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। वो नाज़रीन स्टोरी में इंटरेस्ट इस तरह आता है कि जो 15 करोड़ रुपए की रकम जो मालखाना से चोरी होती है FIA एंटी करप्शन सर्कल, FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल से, तो उसके बाद होता क्या है। यहाँ पे सबसे अहम बात है कि देखें, जब भी पुलिस किसी बासर मुलजिम को पकड़ती है या कोई बड़ा ऐसा केस पकड़ती है तो उसकी इतला CPO और RPO तक दी जाती है, बल्कि IG पंजाब तक भी दी जाती है। जब ये वकुआ होता है यानी कि जब पुलिस रकम बरामद करती है, SHO जो है वकुआ के ऊपर पहुंचते हैं, तमाम पुलिस एहलकार होते हैं, तो जब इस हवाले से इतला FIA को दी जाती है तो FIA एंटी करप्शन सर्कल के एक इंस्पेक्टर है असफंद यार, जो इस केस की तफ्तीश कर रहे होते हैं और बड़ी हैरत अंगेज तौर के ऊपर कि 15 करोड़ रुपए की रकम होती है और जो रकम बरामद की जाती है, ये यहाँ पे सबसे अहम सवाल है कि जो रकम बरामद की जाती है वो 4,79,00,000 रुपए की रकम सामने आती है, बाकी रकम गायब हो जाती है। यहाँ पे नाज़रीन देखें, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो कोई भी हाईफाई केस होता है तो उस केस के मुतालिक पुलिस हुकाम को, आला जो हुकाम होते हैं उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसके बाद आगे कार्रवाई चलती है। पुलिस इस तरह किसी केस का चालान बनाती है या किसी मुलजिम को छोड़ना होता है, पहले तो बात है कि ASI सब इंस्पेक्टर लेवल तक ही काम हो जाता है, लेकिन जब केस को हाइप मिलती है तो उसके बाद तमाम आला पुलिस अफसरान को आगाह किया जाता है। अक्सर ये कहा जाता है जी कि पुलिस डाकुओं को तो गिरफ्तार करती है लेकिन वो जो रिकवरी होती है वो माइनर सी होती है, यानी कि अगर किसी का 10 लाख रुपया गया तो सिर्फ 50,000 रुपये की बरामदगी डाली जाती है। अब यहाँ पे ये जो केस सामने आया है, इस केस में देखें कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है थाना मंदरा में, इसी SHO मलिक यासिर के खिलाफ दर्ज हुआ है, उनके जो ड्राइवर थे और ASI समेत 10 लोगों को इस मुकदमे में नामजद किया जाता है। वो नामजद क्यों किया जाता है कि जो FIA इंटरक्रप्शन सर्कल का इंस्पेक्टर असफंद यार जब मुकदमा दर्ज करवाता है तो उस मुकदमे में यह कहा जाता है कि
यहाँ पे 15 करोड़ रुपए की रकम चोरी होती है, सिर्फ 4 करोड़ 79 लाख रुपए की रकम सामने आती है, बाकी की रकम गायब हो जाती है। इस हवाले से मंदरा टोल प्लाजे के ऊपर NHA के जो CCTV कैमरे लगे हैं उन कैमरों से भी बहुत सी चीजें सामने आ जाती हैं। फिर उसके बाद नाजिन यहाँ पे सबसे अहम सवाल ये है कि जब कहीं पे कि किसी कागजात में टेम्परिंग की जाए तो पुलिस 420, 468, 471 की दफा शामिल करती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पुलिस के अपने पेटी भाई थे, SHO था, दीगर पुलिस एहलकार थे, तो इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया जाता है वो FIA एंटी करप्शन सर्कल के इंस्पेक्टर की मुदैयत में, जो SHO होता है उसकी मुदैयत में दर्ज किया जाता है, असवंद यार की मुदैयत में। लेकिन उसमें जो दफात लगाई गई है वो 380, चोरी की 201 के शवाहिद मिटाना और 155C, ये 3 दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या FIA ने या क्या पुलिस हुकाम ने इस मुतल्लिक तफ्तीश की है कि जब टोल प्लाजे के ऊपर गाड़ियां रोकी गई तो किन किन अफसरान को कॉल गई, वो जो इतनी बड़ी रकम है कि 4 करोड़ 79 लाख रुपए की रकम जाहिर की गई और बाकी जो रकम है तकरीबन ये बाकी रकम 10.5 करोड़ रुपए के लगभग बनती है, दीगर मोबाइल फोन्स भी हैं, दीगर भी चीजें हैं, लेकिन वो रकम कहाँ पे गई। अब इसीलिए तो जो आवाम है, जो स्पेशली रावलपिंडी की आवाम है, उनके उनका पुलिस के ऊपर से एतमाद उठ गया। जब CPO SN यूनस थे तो लोग जो शहरी थे वो पुलिस के ऊपर एतमाद करते थे, और उस वक्त बहुत सी रिकवरीज मुकम्मल भी हैं। अभी रिसेंटली जो DSP कैंट हैं जुवेद इकबाल, उन्होंने भी एक रिकवरी की, वो भी मुकम्मल की। लेकिन यहाँ पे इस केस में कि जो इतना हाई फाई केस है, इसमें पुलिस मुकदमा भी दर्ज करती है, मुलजमान को रोकती भी है, लेकिन जब रकम बरामद की जाती है वो रकम सिर्फ 4 करोड़ 79 लाख रुपए आती है और बाकी की रकम गायब कर दी जाती है। अब इसके ऊपर इंक्वायरी होती है, कहा तो ये जा रहा है कि CPO रावलपिंडी ने इंक्वायरी की, और उस इंक्वायरी में SHO मंदरा कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सके। लेकिन यहाँ पे क्या CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी ने इस चीज के ऊपर तफ्तीश की कि जब टोल प्लाजे के ऊपर गाड़ियां रोकी गई तो SHO ने किस किस ऑफिसर को आगाह किया, क्या थाना मंदरा में कौन कौन सा ऑफिसर गया, अगर रकम गायब, क्योंकि एक SHO की इतनी विल पावर नहीं होती कि वो इतनी बड़ी रकम बआसानी गायब कर सके। जाहिर बात है इसमें साथ कोई ना कोई लाजमी ऑफिसर होगा। मुबैना तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि इसमें जो बड़े अफसरान थे उनको बचा लिया गया। अब दोबारा से मैं बात आपको यही बता रहा हूं कि जब किसी मुलजिम को छोड़ना हो या कोई रकम बरामद करनी हो या कोई चलान काटना हो तो उसमें DSP, SP, SSP, CPO तक को लाइन पे लिया जाता है, उनके नॉलेज में लाकर काम किया जाता है। किसी बासर मुलजिम को छोड़ना हो तो अफसराने बाला को नॉलेज में लाकर वो मुलजिम छोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी रकम गायब होती है और सिर्फ मलबा गिराया जाता है SHO मंदरा के ऊपर, मलबा गिराया जाता है कांस्टेबल्स के ऊपर, ASI के ऊपर। लेकिन क्या पुलिस इस पहलू पे भी तफ्तीश करेगी कि जाए वकुआ के ऊपर कौन कौन लोग गए थे, थाने में कौन कौन से लोग गए थे, किन किन अफसरान को इस तमाम रकम के मुतालिक मालूम था, क्या कहीं ऐसा तो नहीं ये रकम डिस्ट्रीब्यूट की गई हो मुबैना तौर पर ऊपर लेवल तक। लेकिन अब मुकदमा थाना मंदरा में दर्ज हुआ है, SHO मंदरा उसी थाने में गिरफ्तार भी हो गया है। अब जो वकला है वो तो ये कहते हैं कि ये बेलेबल फेंस है, बेल हो जानी है, लेकिन जो इतनी ह्यूज अमाउंट, इतनी बड़ी रकम गायब हुई, वो रकम किस किस को डिस्ट्रीब्यूट की गई, क्या पुलिस इसका सुराग लगाएगी कि कौन कौन से अफसरान इस पूरे केस में मुलव्वस हैं, किन किन अफसरान के कहने के ऊपर SHO मंदरा ने इतनी बड़ी कार्रवाई की, क्या ये रकम ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूट हुई या SHO ने ये सारी रकम खुद गायब कर ली। अब देखते हैं कि तफ्तीश किस पहलू ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अब मालूम हुआ कि जो बरामदगी होती है वो पुलिस क्यों काम करती है, क्योंकि वो बरामदगी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। अगले प्रोग्राम तक ले मेरे मेजबान ताहिर नसीर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।